मिरुवा हो है मिला गासी आवे खूब है वहां अब जी सो को मची आई आ आ देखो फोन न करी और यहाँ पे मैंने कंटर में रखा है पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन इसके अंदर झहल नहीं लगी है तो थोड़ा सा इसके अंदर झहल लगाते हैं। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, इधर हम भी बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आज थोड़ा सा लेट से शुरू कर रहा हूँ व्लॉग। अभी मैं नहाया और उसके बाद चाय बनाई मैंने माँ और पापा के लिए। तो अभी नीचे से ला रहे हैं लकड़ी, जो हमारे आजकल बेल हो रखी है सब्जी की, उसके लिए उसके सहारे के लिए जो लकड़ी खड़ी करनी पड़ती है उसको काटने के लिए गए थे। आज सुबह सुबह मेरी आँख पे पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत दिनों से हो रहा था लेकिन आज सुबह कुछ ज़्यादा ही बड़ी मेरी आँख हो गई थी, मतलब ये पूरी ऊपर से सूज रखी है। हमारी भाषा में इसे अंजना बोलते हैं, ये इन्फेक्शन हो रखा है कुछ। तो इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो अगर ये किसी की आँख पे हो रखा है और हमने उसकी आँख देख ली और हमें थोड़ी सी उसकी आँख देख के घिन लग गई, तो ऐसा बोलते हैं कि ये फैलता भी है। तो परसों जब मैं कॉलेज गया था तो वहाँ जो डायरेक्टर साहब थे उनकी आँख पे ये हो रखा था और मैंने उनकी आँख देखी, इसलिए ये मेरी आँख पे हो गया था। और ये उसी दिन के बाद से, पहले मेरी इस आँख पे हुआ था हल्का सा, उसके बाद इस आँख पे हुआ और कल ये रात को बहुत बड़ा हो गया था। सुबह आपने देखा होगा मेरी माँ ने एक कांटा ला रखा था, उस कांटे को हमारी भाषा में बोलते हैं झिरणु कांडू, कांटे को हमारी भाषा में कांडू बोलते हैं। तो उसको लगाते हैं इस पर जहाँ पे इसका मुँह होता है, तो वो माँ ने लगाया। हल्का सा थोड़ा सा सही हो चुका है उस टाइम से। जो हमारे घर वाले हैं, मेरी दादी ने मेरे को मना किया है कि तू घर से 1-2 दिन बाहर मत जा, क्योंकि उससे ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। और दादी अपने लिए खाना बना रही है अंदर और मैं बाहर घूम रहा हूँ। और बाहर घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी इन आड़ू पे, जो कि शायद से पक चुके हैं अब कुछ और कुछ अभी कच्चे हैं, नहीं अभी कच्चे हैं ये। इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है और जो हमारे वाले पेड़ पे आड़ू है उनका साइज़ बड़ा है और वो साइज़ से पक भी चुके हैं। और हमारे यहाँ पे इस बार जितने भी आम के पेड़ हैं, सारे आम के पेड़ पे एक भी आम नहीं लगा, सिर्फ इस वाले पेड़ को छोड़ के। इस वाले पेड़ पे इस सीज़न में बहुत सारे आम लगे हुए हैं और पूरा जो पेड़ है वो गज बना हुआ है आम से, लेकिन अभी कच्चे हैं। ये देखिए आ चुके हैं झिकड़े। और ये ला रखा है माँ ने घास की फंची, और ये लकड़ी काटने के लिए गए थे। जो ये बेल हमारी हो रखी है सब्जी की, इनके सहारे के लिए इस लकड़ी को यहाँ पे खड़ा करेंगे। तो अब जब तक आँख सही नहीं होगी तब तक आराम करेंगे और घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाना बाहर, कुंडिल भी नहीं। तो दिन के 11 बज चुके हैं और अब खाना बनाने की तैयारी है, लंच। और आज हम बनाएंगे कड़ी चावल, यानी कि झल्ली भात बनाएंगे आज, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। हैं आड़ू, तो मैं जा रहा हूँ नीचे सगोड़े में, जो वहाँ पे मिर्च के पौधे हो रखे हैं, उनसे मिर्च लेके आते हैं। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू। तो यहाँ पे लगा रखे हैं मिर्च के पौधे और इनमें मिर्च भी हो रखी है। हैं ये देखिए, अपने आप होते हैं ये वाले पौधे। तो इतनी सारी मिर्च काफ़ी है, हरी हरी मिर्च अपने खेत की, वो भी प्योर ऑर्गेनिक मिर्ची। ये देखिए यहाँ पे भी हो रखी है, लेकिन अभी छोटे छोटे पौधे हैं। यहाँ पे बेल हो रखी है गदड़ी, यानी कि तोरी की बेल। हमारी गौशाला है, छन्नी है सारी, और यहाँ पे लगे हुए हैं फूल तोरी पे। तो कुछ टाइम बाद इन पे सब्जी होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद अपने घर की सब्जी खाएंगे, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक सब्जी। तो दिन के 12:30 बज चुके हैं और मेरी आंख पे फिर से दर्द शुरू हो चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है आंख पे। लगता है इसका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा और वो वाला कांटा जो रखा है उसको फिर से इस पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। और माँ बना रही है अंदर झोली, उसके बाद हम खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो जैसे ही उठा मैं और बाहर देखा बारिश शुरू हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं और बड़ी तगड़ी वाली बारिश लगी हुई है, जबकि आसमान इतना ख़राब भी नहीं है। और साइड को तो हल्की सी धूप आ रखी है, पोखड़ा साइड को, और इस साइड को लगी हुई है बारिश। ये देखिए आप। ठीक सामने वाले पहाड़ पे बहुत भयंकर बारिश लगी हुई है और इस साइड को देखिए आप, जरा भी बारिश नहीं है। बल्कि जो ठीक भेड़गांव के पीछे वाला पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर हल्की हल्की सी धूप आ रखी है और यहाँ भी धूप आ रखी थी, लेकिन इस साइड को बारिश नहीं हुई और इस साइड को भयंकर बारिश लगी हुई है। जो ये आपको वाइट वाइट से दिख रहा है, पूरी बारिश है। और इस साइड को देखिए, बिल्कुल साफ है मौसम। तो पहाड़ों पे कुछ भी हो सकता है। अचानक से बारिश शुरू हो गई थी, जैसे मैं बाहर उठा पहले हल्की हल्की सी बारिश आई और उसके बाद बहुत तेज बारिश। और दोस्तों मेरे आँख पे पता नहीं क्या हो चुका है, ये सही नहीं हो रहा है। सुबह भी मैंने इस पे जो कांटा होता है उससे इसको कचोरा था। तो जो कांटा होता है उससे मैंने इसके बाहर से थोड़ी सी मतलब इसको फोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये फूटा नहीं। भयंकर दर्द कर रही है मेरी आँख। ये भी एक मुसीबत है।